बदलते परिवेश में रिश्ते के मायने भी बदलते जा रहे हैं। बच्चे को बनाने के लिए माँ बाप हर एक कुर्बानी देने को तैयार रहते हैं, लेकिन जब बच्चा मुकाम तक पहुँच जाता है तो जो माँ बाप की सेवा करनी चाहिए उसे ही भूल जाते हैं। हम मौजूद अभी पटना के छज्जूबाग इलाके में। आप इस सड़क से गुजरते होंगे तो आपको दाएं साइड में लाला लाजपत राय के बगल में ये बुजुर्ग दंपति दिख जाते होंगे। इनका दुकान 1974 से ही है। अब आप समझ सकते होंगे कि दुकान चलाते चलाते कई साल हो चुके, तकरीबन 46 साल से इसी सड़क किनारे ये दुकान चला रहे और इनके 3 बेटे और 3 बेटियां हैं। अगर इस माते पिता के हौसलों की बात कर ली जाए तो तीनों बेटों को पढ़ा के इन्होंने योग्य बनाया और तीनों बेटियां की शादी भी की, लेकिन आज भी वो ये तमाम जो माता पिता हैं, ये जो पति पत्नी है, ये किसी पे निर्भर नहीं है। आज भी 70 का पड़ाव उम्र जो है ये पार कर चुके और खुद कमाते हैं और खाते हैं। बदलते समय के साथ जो बेटा माँ बाप की सेवा करनी चाहिए थी वो कहीं ना कहीं इन माँ बाप को अब भूल चुका है। लेकिन समय और हालात देख लीजिए कि तकरीबन 46 सालों से ही इस सड़क के किनारे ये 3-4 डब्बा आप देख रहे होंगे, ये बुजुर्ग देख रहे होंगे, 70 के पार इनका उम्र हो चुका है। 3 बेटों को इन्होंने पाला पोसा, पढ़ाया, शादी किया, वो हर दूर दर्द तकलीफ खुद सहें, लेकिन कभी बेटे पे इस कारण नहीं आँच आने दिया कि बेटा को किसी तरह का परेशानी नहीं होगा। और आज अपने दम पर ही इन्होंने बेटे को ठेकेदार बनाया और सभी बेटे को इंटर और BA पास कराया, बेटियाँ को भी शादी अच्छे जगह की है। लेकिन अब हालात और समय देखिए, इसी सड़क किनारे ये रहते हैं, जीते हैं, कमाते हैं, खाते हैं और समझ सकते होंगे इसी गैस पे ये चाय बनाते हैं और यहाँ पे जो माता जी हैं इसी को धोती हैं, किसी तरह अपना गुजारा करती हैं। इनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि जिस प्रकार से कोई भी माता पिता अपने बच्चों को चाहता है कि बुढ़ापा में बच्चा उनको साथ रखे, उनके साथ हर एक खुशियाँ बांटे, लेकिन जब लौटाने की बारी बेटा और बेटी को आती है तो ये बेटा बेटी अपने माता पिता को भूल जाते हैं। कितना उम्र हो गया चचा? जितना याद नहीं है। फिर भी आपका कितना 70 पार होगा? हाँ, 70 हो गया। एक बाल बच्चा है? छह गो। के गो बेटा, के गो बेटी है? 3 लड़का 3 लड़की। क्या करते हैं, कितना साल से चाय बेच रहे हैं यहाँ? वही का 74 से जहाँ पर दुकान कर रहे हैं। 74 से है? हाँ। सब बेटा बेटी को पढ़ाए हैं? हाँ। सबको पढ़ाए। कितना हाँ। तकलीफ हुआ बेटा बेटी को पढ़ाने में, शादी करने में? अब क्या कर? किसी तरह। हाँ, किस तरह से होगा। अभी भी चाय बेचते हैं? हाँ। कितना कमा लेते हैं डेली? कहाँ, मेरी कंपनी नहीं होता है, ऐसे ही बैठे हुए रहता था, ऐसे खोले हुए कंपनी नहीं है। लेकिन आपका तो उम्र कमाने वाला नहीं है। हाँ, तब क्या करें, कैसे बैठे रहते हैं खोल करके, आपका जब बिका सब बिका जो आता है। हाँ, जब बिका सब बिका। क्या क्या नाम है बेटा का? बेटा का नाम है वो का विनोद नाम है, एगो का मनोज नाम है, और एगो का राम भगवान नाम है। बहुत दिक्कत से पढ़ाएं लोग को, पढ़ा लिखा कर। बेटी का शादी भी कर दिए? हाँ, बेटी का शादी कर दिए। बेटी का शादी कर दिए? हाँ। बच्चा को पढ़ा दिए होंगे, कितना खुशी मिलता होगा? हाँ, कि हाँ चाय बेचते बेचते पढ़ा दिए। हाँ, खुशी मिलते कर लो। आज अकेले रह रहे हैं आप सड़क पर, क्या करें बाबू, किस्मत की बात, किस्मत की बात है। नहीं तो बच्चा, तो अगर बच्चा के साथ रहते तो खुशी मिलता, अगर बच्चा हाँ। सब परिवार साथ रहते तो। हाँ, तो सब नहीं ना साथ है? नहीं, कोई महिला है, अलग है, बड़को ऐसे अलग है, सब अलग हो गया। हाँ, खाली छोटका संग है। गरीब लोग आपको देखते बुढ़ापा में तो अच्छा रहता है ना? क्या कहिएगा कि जमाना वही है क्या? क्या कहें, अब क्या कहें, जमाना ऐसा ही है तब। लेकिन कभी ऐसा हुआ कि हाँ बेटा के साथ रहते बेटा पूछता? ये घड़ी बेटा पूछो कौन देखता है किसी को, बहुत शायदे देखता है माँ बाप को, समझे ना? कोई पूछने वाला नहीं है? कौन पूछने वाला है? लेकिन फिर भी आपका माँ खा रहा है ना? क्या नाम है आपका? जेठू साहब। देखिए, जेठू साहब हैं, अपने तीनों बच्चों को पढ़ाया, बेटियों का विवाह भी करवाया, और 1974 से भी अगर सीधे तौर पे खुददारी की बात करें तो कहीं ना कहीं खुददार हैं। आज भी बेटे ठेकेदार हैं, अच्छा कमाते हैं, अच्छे घर में रहते हैं, लेकिन अपने पिता को कहीं ना कहीं
भूल गए, जो माता पिता एक एक रुपया जो के बेटा को पढ़ाने का काम किया। तो अब हालात देख लीजिए, इसी सड़क किनारे यही इनका घर है, यही बसेरा है, और यही चाय बेच के 10-20 रुपया अगर कमा लेते हैं तो उसी से उनका दिनचर्या चलता है। क्या नाम है चाची? ककड़ा तोड़ा तवंती देवी। छे को बाल बच्चा है? छे को। कमाई उमाई होबे अब कि ना? अब होबे चाहे ना होबे, सब शादी कर कर हटा दिए हम बच्ची में। बेटा बेटी के पढ़ाए सबको? हाँ पढ़ा हुआ है तीन। बड़ा तकलीफ से पढ़ाए होंगे? हाँ तीन को एक बेटी नहीं पढ़ा है, सबसे बड़ कुमनेर है उसको घर ससुराल, तो उसको ऊना पड़े कहता है कि मारता मस्तरवा निर्वंशा। आज भी चाय बेचती है? हाँ। कमाई उमाई है कि नहीं है? अब रहता ही है बस अपना, तूने पढ़ा बात नहीं है ना? पहले वाला बात ना, अब तो रोज हल्ला हो रहा कि एथी हो जाएगा तो कंसा गया तो हव हो गया तो हव हो जाएगा। अभी सर के किनारे रहती है? हाँ हाँ। देखिए माँ हुआ तो आदमी वही है का बोले हम जज के फ्लैट है कुएं पहले रहते थे, तो क्या करे बेटा झूठ कहा ला बोलेंगे हम बुढ़ारी में, धक्का लग गया ना तो कपार फूट गया तो दम बेहोश हो गए, तो सब लोग मदद कर दिए कह दिए, तो मलकिनी बोले नहीं मके कि बुढ़िया के मुँह धूतू हमारा देने रह कोनो न तोरा एगो बात बोली। एक बात बताइए। हाँ बेटा है, बेटा को पढ़ाई, बेटा के साथ नहीं रहना चाहती कि साथ रहता तो अच्छा रहता? हाँ तो अब वो दो एगो रहता है बेटा पुतो, दो नहीं रहना दो, हाँ दो घर पर रहता है। हाँ अपना घर पर है, साथे रहती तो बढ़िया रहता ना। हाँ अब साथ कितना तो पटना में रखे, आप घरवा हुआ के का होगा, घरवा दुअरवा वो रहेगा तब ना फिर जवान होगा तो देखेगा कि हाँ बाप माए हमको रख लेते हमको ला। तो मानती है? हाँ पुतो मानती है सब, हम झगड़ा करे के हाल नहीं जानते बेटा। जैसे आप अलग है? हाँ सब बस। आज भी खुद कमाती खाती है? हाँ वो कमाती खाती है वो सब। देखिए जिस उम्र में आराम करना चाहिए उस उम्र में आज भी ये लोग कमा खा रहे हैं और किसी पे निर्भर नहीं है। बड़े आस के साथ बेटे को पढ़ाया था और ये सोचा था कि जब बुढ़ापा आएगा तो बेटा सहारा बनेगा, लेकिन बेटा जो है वो अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रह रहे हैं और आज भी ये परिवार जिस उम्र में कमा खा रहे हैं, ये उम्र आराम करने का होता है, लेकिन कहा जाता है कि समय सब कुछ सिखला देता है और बदलते समय के साथ आज भी इन जो बुजुर्ग हैं इन्होंने हिम्मत नहीं हारी है और किसी पे भार नहीं बना और आज भी किसी तरह चाय बेच के अपना जीवन चला रहे हैं। रोहित NBC 24 पटना।